Children in the nomadic Banjara community in Rajasthan's Nimri village had never been to school. Child marriage was the norm till the Satyarthi movement's Banjara Education Center was established and Tara became the first child in her community to complete class 10. मैं अपनी पीढ़ी में 10th क्लास पास करने वाली पहली लड़की हूँ और मेरी बचपन में ही सगाई कर दी गई थी। कुछ बाल विवाह बारह में हमें कुछ समझाया गया था तो मैं समझ गई थी। तो उसके बाद मैंने अपने मम्मी पापा को समझाया कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, मैं पढ़ूँगी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, जैसे और लोग पढ़ रहे हैं ऐसे मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। A few months ago, when a family came asking for her sister Akash's hand in marriage, Tara stepped in and insisted that her 14-year-old sister complete her education. In neighboring Hinsla village, Kailash Satyarthi Children's Foundation has established a Bal Mitra Gram. Here, children lead the transformation of their village through democratic action and participation. In a Bal Mitra Gram, there is no child labor, no child marriages, and no child trafficking. Children elect their Bal Panchayat, which is officially recognized by the Gram Panchayat. 19-year-old Payal Jangir has emerged as a striking example of youth leadership from the Bal Panchayat. She takes up demands of children and represents them to the Gram Panchayat. She even talks to women, inspiring them to claim their freedom. चुनाव हुए फर्स्ट में बच्चों के, तो मैं उसमें बाल उपसरपंच रही, तो वो उन्होंने बताया कि बाल मजदूरी, बाल विवाह, घूंघट प्रथा है और स्कूल की क्या समस्याएं हैं, जैसे कि गर्ल्स स्कूल की एक सबसे बड़ी समस्या थी टॉयलेट की। गर्ल्स स्कूल में टॉयलेट नहीं था लड़कियों के लिए, इसकी वजह से जो बड़ी लड़कियां थी वो तो आती नहीं थी क्योंकि उन्हें बाहर जाना पड़ता था खुले में। जब हमने अपनी बात पंचायत में रखी कि गर्ल्स स्कूल में टॉयलेट नहीं है, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये एक शर्मिंदगी हुई कि हमने आज तक बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। Bal Mitra Gram is an internationally recognized model to prevent child exploitation and abuse. Children supported by the community understand the challenges of their village and build solutions together. And on the ground, the change is apparent. जब फर्स्ट बार जब ये बच्चे गए तो कुछ लोगों ने हमारे पंचायत के सदस्यों ने भी ये कहा कि यार बच्चे काहे की आवाज उठाएंगे, लेकिन जब मैंने ये कहा कि भी बच्चे आए हैं तो इनकी बात को, छोटे बच्चे हैं तो इनकी बात को महत्व देंगे, तो इन बच्चों में एक कॉन्फिडेंस विकसित होगा और ये अपने अधिकारों के लिए सचेत होंगे। बच्चों के प्रति उनकी जिम्मेवारी जो है उस वो उनकी ख़त्म हो जाती है। तो पर हमने यही सोचा कि उन बच्चों को वहाँ से निकाल के स्कूल भेजा जाए और फिर उनके अधिकार उन्हें, और जब तक दोस्ती का व्यवहार नहीं करेंगे तो उनको अधिकार की जानकारी डायरेक्ट हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा मानना यही था कि अगर बच्चों को गांव में ही सारी सुविधाएं हम दे दें, जिससे किसी भी कारण से, चाहे गरीबी के कारण हो, चाहे जात पात के कारण हो, चाहे और कोई भी उनके पारिवारिक समस्याओं के कारण है, उनको बच्चों को शिक्षा से महरूम ना रखा जाए और हर बच्चा स्कूल में हो, दूसरा उनमें नेतृत्व की भावना आगे बढ़े। तो अभी इस प्रदर्शनी में जैसे कि आपने देखा, एक पूर्व बाल प्रधान थी हिंसला गांव की, उनका नाम है पायल जांगीड़, और अब पायल हमारे साथ जुड़ गई हैं। पायल, आप क्या बोलेंगी उन छोटे छोटे लड़के लड़कियों को कि उनको क्या जानना चाहिए अपने अधिकारों के बारे में और कैसे उनको और सशक्त किया जाए? सबसे बड़ी बात, अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाए? कि मैं उन सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगी कि शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जब तक हम इस चीज को नहीं मानेंगे कि शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो साथ में वो अपने आसपास के बच्चों को तो प्रेरित करता ही है, बल्कि जो गांव के सभी बच्चे हैं उनको स्कूल से जोड़ते हैं। कि जैसे अगर हम जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब तक हमारे अधिकारों के बारे में, हमारे साथ हो रहे अत्याचार, बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल यौन शोषण, हम इन सब चीजों से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जब तक हम नहीं पढ़ पाएंगे, जब तक इन सभी समस्याओं से नहीं लड़ पाएंगे, तो मैं उन सभी बच्चों से यही कहूंगी कि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें इसे लेनी चाहिए, और सभी बच्चों को ये अधिकार है कि हमें शिक्षा मिलनी चाहिए और यह हमारा अधिकार है, और हम
इससे हमारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे और शिक्षा पाएंगे। बिल्कुल पायल, अभी आपने जिक्र किया बाल मजदूरी, बाल यौन शोषण एक और चीज होती है, और इसकी इसकी प्रथा आपके राज्य में हमने देखी है, उसके बारे में बहुत बड़ी मुहिम भी छेड़ी गई है इतिहास में, बाल विवाह। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है कि गांव में इस तरीके की प्रथा जो कि अभी भी होती हैं उनको कैसे रोका जाए? कि बाल विवाह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे हम नहीं स्वीकारते हैं। कि जब हमने सन 2012 में जब हमारे गांव को बाल मित्र ग्राम के लिए चुना गया, जब हम बहुत छोटे थे, 6 क्लास में पढ़ते थे, जब हम इन सब चीजों के बारे में जानते भी नहीं थे, तो जब बाल आश्रम से जो भी कार्यकर्ता आते थे वो हमें बाल विवाह, बाल मजदूरी के बारे में बताते थे, बच्चों के साथ जो भी गलत होता है उनके बारे में बताते थे। तो हमें ये इसमें अच्छा लगा कि हाँ, हमें अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, हमारे साथ जो गलत हो रहा है उनके लिए हमें लड़ना चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि जो बाल विवाह सबसे बड़ी समस्या थी कि ये मेरे जो माता पिता थे वो भी मेरा बाल विवाह कर रहे थे, तो मुझे बाल विवाह नहीं करना था, मुझे पढ़ना था। तो मैंने भाभी जी को बोला, और जो जिन्हें हम श्रीमती श्रीमती सुमिता कलास, जिन्हें हम बच्चे सभी प्यार से भाभी जी कहते हैं, मैंने उनको बोला। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को समझाऊंगी। उन्होंने मेरे पिताजी को समझाया, जो मेरी दादी थी वो इस बात को मान नहीं रही थी, क्योंकि हमारे गाँव में ये एक रीति चली आई है कि जो छोटी लड़कियां हैं उनका विवाह करने से हमें पुण्य मिलता है, कि हमें पुण्य कमाना है तो हम छोटी लड़कियों की शादी कर देते थे। तो मैंने अपने जब हमने अपने माता पिता को समझाया, तो उन्होंने ये सोचा कि हाँ ठीक है, तुम पढ़ो। और आज जो मेरी बड़ी बहन है, जो पढ़ाई छोड़ दी थी उसने, उसकी भी शादी थी, तो आज वो भी पढ़ रही है और मैं भी पढ़ रही हूँ। जब हमने लगा कि हम अपना बाल विवाह रोका के इतना खुश हैं और हम पढ़ रहे हैं, क्यों ना हमारे गांव और आसपास के गांव से भी इन सब चीजों को खत्म किया जाए। तो हमारी जो बच्चों की पंचायत है, साथ में जो हमारे बाल आश्रम के कार्यकर्ता हैं, हमने मिलकर के और लोगों को समझाना शुरू कर दिया, रैलियां निकालनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि हमें बहुत गुस्सा आता कि जैसे हम लोगों को समझाने जाते थे तो वो हमारे सामने से अपने गेट बंद कर लेते थे, अपने बच्चों को अंदर ले जाते थे और ताने मारते थे हमें कि तुम बन जाओ कलेक्टर, हमें अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना। तो हमें बहुत बुरा लगता था कि हमें नहीं करना, हम किसके लिए कर रहे हैं। लेकिन जैसे बालाश्रम आते थे, भाई साहब जी को देखते थे, और उनको देख के जो हमें एक ताकत मिलती थी बच्चों को कि हाँ, अगर भाई साहब जी हमारे साथ हैं तो क्यों नहीं हम भी उनके साथ रहें। तो हमने ये फैसला कर लिया कि सभी बच्चों ने मिलकर के कि जड़ हमारे गांव को हम एक बाल मित्र मुक्त गांव बनाएंगे। और आज ऐसा हमारा गांव एक ऐसा बाल मित्र ग्राम बन चुका है जहाँ पे सभी बच्चे स्कूल जाते हैं और एक भी लड़की का बाल विवाह नहीं होता। तो जो हमें जो समस्याएं आती थी उस टाइम, तो हमें लगता था कि नहीं, हमें ये बहुत ही नहीं बढ़िया, करना है, हम लोग हमारे माता पिता से शिकायत कर देते थे। लेकिन जो भाई साहब जी और भाभी जी को देखे, जो हमें हिम्मत मिलती थी, तो हम रुके नहीं। और इसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारे गांव में और आसपास के गांव में किसी भी लड़की का बाल विवाह नहीं होता और सभी बच्चे स्कूल में हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैलाशी, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, द बाल मित्र ग्राम मॉडल ऑफ दिस एम्पावरमेंट एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन हैज गिवन अ प्लेटफॉर्म फॉर लीडर्स लाइक पायल, हु सो आर्टिकुलेट, सो इट्स काइंड ऑफ बिल्डिंग अ मॉडल ऑफ होप। हाँ, जस्ट गिव अस द डिटेल्स ऑफ द हर्डल्स यू फेस एंड हाउ बिग एन इम्पैक्ट दिस कुड हैव एंड हाउ बिग एन इम्पैक्ट इट्स हैविंग इवन नाउ। वेल डॉक्टर रॉय, एज वी हैव listen to the young lady, our friend Payal. I strongly believed and still believe that no voice could be more compelling, truthful, honest and powerful than the voice of young people, voice of children, voice of victims. So in all my life I tried to humbly make efforts to strengthen that voice of young people, voice of children. तो हम लोगों ने ये जो बाल मित्र गांव का प्रयोग किया, अभी करीब 600 650 गांव में हम लोग काम करते हैं। जैसी एक गांव की ये पायल है, उस तरह के 600 गांव में इसी तरह के बच्चे हैं, और 1 लाख बच्चों के साथ हम हर रोज़ इंटरेक्शन करते हैं हमारे कार्यकर्ता। और वहाँ पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, वेदर इट्स अ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, पॉसिबल नहीं है।
हमारी कोशिश है कि स्कूल की हालत सुधरे, बच्चे पढ़ें, रिटेंशन का रेट बढ़े, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़े, टीचर्स की अटेंडेंस बढ़े, ये सब चीज़ें, और कहीं मिड डे मील वगैरह में गड़बड़ होती है वो ठीक ठाक हो। तो सबसे बड़ी बात है कि जो पावर वहाँ से जनरेट हो रही है गांव से, और सबसे अनदर थिंग इज़ द डेमोक्रेसी, वी आर ट्राइंग टू इनकल्केट द वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी अमंग दिस पीपल, अमंग दिस यंग पीपल। सो अपार्ट फ्रॉम लीडरशिप बिल्डिंग, लर्निंग डेमोक्रेसी एंड experimenting democracy by way of electing their leaders. She is an elected leader. So we have 600 elected leaders like her in each of those villages. तो हमारी कोशिश ये रही है। तो child sexual abuse वगैरह का तो वहाँ रुका ही है, बाल विवाह जैसे कहाँ रुके हैं, क्योंकि जब पूरे लोगों में, गांव के लोगों में एक चेतना जगती है और बच्चे खुद आगे बढ़ के ये कहते हैं कि नहीं, ये हम बर्दाश्त करने तैयार नहीं है, ये आगे नहीं होगा, तो फिर माँ बाप भी उनसे सीखते हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू इम्पोज एनीथिंग आवर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हैव बिकम द टीचर्स एंड इंस्पिरेशंस एंड द सोर्स ऑफ यू नो चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द विलेज। तो वो गांव से हमने शुरू किया और इस एक्सपेरिमेंट को हमने भारत के बाहर भी शुरू किया, नेपाल में शुरू किया, अफ्रीका के कुछ देशों में शुरू किया, एंड वी हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल इन दोज कंट्रीज ऑल्सो। So yeah. Huge impact. You can see the impact. I mean, she's so articulate. You're right. When the child speaks, the impact is even stronger. Wonderful. पायल को अभी पिछले साल, अभी पिछले साल तो ऐसे चला गया, इससे पहले बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन का जो ग्लोबल गेटकीपर अवार्ड है या ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड है, एक अवार्ड उसको वहाँ मिला न्यूयॉर्क में बुला के। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी उसी तरह का अवार्ड उन्होंने दिया और पायल भी वहां मंच पर मौजूद थी, उसको भी वो अवार्ड मिला। शाबाश पायल, थैंक यू वेरी मच, इट्स रियली वंडरफुल एंड कंग्रेचुलेशंस दैट यू स्पीकिंग टू सो ऑल आवर व्यूअर्स, आवर मिलियंस ऑफ व्यूअर्स टुडे एज वेल। थैंक यू पायल फॉर जॉइनिंग अस, एंड दैट्स रियली अ वंडरफुल इंस्पिरेशन आल्सो कैलाश जी।